में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को लेकर उसने न्यूज अभी दो ये अपडेट है कि यहां इंडिया को लेकिन जो बैड न्यूज है उसके उसको चलते कोई कहीं कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, उसको लेकर कोई जवाब तो दिया नहीं है। Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. अगला उसका अपडेट निकल के आता है हमारे पास में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर। उसमें अभी दो अपडेट्स हैं, एक गुड न्यूज एक थोड़ी सी बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि यहाँ पर दोस्तों ये अभी iOS जो वर्जन है वो हम देख पाएंगे इसका, बहुत ही जल्दी इसके ऊपर काम चल रहा है जो कि बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे ही मतलब इसके ऊपर भी दोस्तों अभी एंड्रॉइड के ऊपर आएगा, उसके बाद में आईफोन वाले जो हैं उनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़े आराम से दोस्तों आप एंजॉय कर पाएंगे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को। लेकिन जो बैड न्यूज है दोस्तों वो ये कि इसका दोस्तों जो URL है गूगल प्ले स्टोर पे, उसमें दोस्तों आपको पबजी देखने को मिलता है। पबजी मोबाइल जो है दोस्तों वो क्लियरली यहां पे इस URL में है। अगर दोस्तों जाके देखते हैं URL में, तो यहां पे क्लियरली जो टेक्स्ट है वो लिखा है pubg.io मोबाइल। तो क्या ये गलती हो गई, या ये इंटेंशनल है, या कुछ पुराना था जिसको रिप्लेस करके बैटल मोबाइल इंडिया कर दिया, इसके चलते कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से। बिकॉज यहां पे दोस्तों पबजी पे तो बैन है भारत सरकार की तरफ से लगाया हुआ, और यहां पे जो URL है उस पे हम क्लियर देख सकते हैं pubg.io मोबाइल लिखा हुआ। तो अब इसके पीछे का क्या रीजन है फिलहाल दोस्तों, खैर अभी क्राफ्टर ने इसको लेकर कोई जवाब तो दिया नहीं है। लेट्स सी वैसे कि क्या होती है डिटेल्स और ये गेम हम कब तक देख पाते हैं। वैसे रजिस्टर क्या आपने कर लिया है क्या, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। So off the speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop, I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, than work some odd job just to live.